बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एट योर होम्स। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर लेक्चर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर। सो स्टूडेंट्स, अप टिल नाउ वी हैव स्टडीड कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑफ वी हैव स्टडीड सीपीयू, रैम, रोम, मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट and bus interconnection. Today we have to continue toward our new topic, that is about instruction set and its format. अब यहां पर हम start करते हैं कि instruction set क्या होता है और उसका format क्या होता है। तो students, first of all understand कि जब हम computer ये start होता है तो इसको कैसे ये सब पता चल जाता है। जब आप बटन दबाते हैं तो कैसे कंप्यूटर को ये पता चलता है कि उसने ये फाइलें उठानी शुरू कर देनी है। इज देयर एनीवन हिडन इन द कंप्यूटर, एनीबॉडी हु इज इंस्ट्रक्टिंग कि ये करो, वो करो, वो करो? नहीं, कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर ओनली एक्ट्स व्हाट वी इंस्ट्रक्ट इट टू डू। वो वही करेगा जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, सीपीयू डेटा रैम से लेना शुरू कर देता है, बहुत सारे प्रोसेसेस शुरू कर देता है, ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शंस जो मैन्युफैक्चरर, जो सीपीयू क्रिएट कर रहा होता है, हमारे पास वर्ल्ड में डिफरेंट कंपनीज हैं जो प्रोसेसर बनाती हैं, बोर्ड बनाती हैं। जैसे कि आईबीएम एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो प्रोसेसर तो नहीं बनाते लेकिन उनके बोर्ड्स होते हैं अपने। इसी तरह इंटेल जो प्रोसेसर बनाते हैं, एएमडी कंपनी है बहुत बड़ी जो प्रोसेसर बनाते हैं। तो जो कंपनी अपना सिस्टम डिज़ाइन कर रही होती है वो अपना एक इंस्ट्रक्शन सेट उस सीपीयू में डालती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट उसके अंदर वो डला हुआ होता है। अब ये क्या है इंस्ट्रक्शन सेट? देखिए, सीपीयू को बहुत सारे काम करने होते हैं कि डाटा कहीं से उठाना है, कहीं लेकर जाना है, कहीं अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करवानी है, कहीं लॉजिकल कैलकुलेशंस करवानी है, इनपुट आउटपुट यूनिट को डील करना है, वहां से डाटा लाना ले जाना है। ये सारे काम जो उसने करने हैं तो इसके लिए वो खुद से तो नहीं कर सकता जब तक कि उसको इंस्ट्रक्शन ना दी जाए। तो बहुत सारी छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो लो लेवल प्रोग्रामिंग में लिखी जाती हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग में डिज़ाइन की जाती हैं, यानी मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में इसमें डिज़ाइन की जाती हैं, या समवट असेंबली लैंग्वेज में भी डिज़ाइन की जाती हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शन सेट, एक सेट बना दिया जाता है और ये बाकायदा एम्बेड किया जाता है सीपीयू में। जैसे ये आप सिस्टम ऑन करते हैं तो सीपीयू को ये इंस्ट्रक्शंस मिलना शुरू हो जाती हैं जो उसके अंदर एम्बेडेड होती हैं, और इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली वो अपना वर्क शुरू कर देता है, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन यूं करेंगे, इंस्ट्रक्शन सेट को, सेट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस दैट अ सीपीयू कैन परफॉर्म इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग के जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है ये मशीन डिपेंडेंट होता है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या है? मशीन डिपेंडेंट का मतलब है कि जो इंस्ट्रक्शन सेट जो मैन्युफैक्चरर डिजाइन करेगा अपनी मशीन के लिए, वो उसी मशीन या उसी टाइप की मशीन के लिए ही एक्टिव होगा। कोई और, आप किसी और मशीन के ऊपर अगर आप उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे वो नहीं होगा। ये मशीन डिपेंडेंट है, जिस मशीन के लिए, जिस टाइप की मशीन के लिए वो इंस्ट्रक्शन सेट बनाया गया है वो उसी मशीन पर चलता है, ठीक है। मतलब जिस तरह आप एमएस वर्ड किसी भी कंप्यूटर पर चला लेते हैं तो वो मशीन डिपेंडेंट नहीं है, आप उसको उस पर भी चला सकते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी चला सकते हैं, या एप्पल के कंप्यूटर पर भी चला सकते हैं, आईबीएम के कंप्यूटर पर भी चला सकते हैं, जिस कंप्यूटर पर चाहे चला सकते हैं, वो मशीन इंडिपेंडेंट है। लेकिन इस किस्म की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती हैं वो मशीन डिपेंडेंट होती हैं, यानी आपने मशीन चेंज कर दी वो इंस्ट्रक्शन सेट दूसरी मशीन पे काम नहीं करेगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। हमारे पास
कितनी किस टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको मिला के एक सेट बना दिया जाता है, जिसको हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं, उसमें कितनी टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। नंबर वन, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। देखें, डेटा जो है वो सीपीयू से बार बार ट्रांसफर किया जा रहा होता है, ठीक है, बार बार ट्रांसफर सीपीयू से रैम की तरफ ले जा रहे हैं, रैम से सीपीयू की तरफ ला रहे हैं, ठीक है ना, डेटा टू एंड फ्रो मूव हो रहा है। तो इसके लिए भी रीड मेमोरी एंड राइट मेमोरी की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। रीड मेमोरी, डेटा लाना, ये जब हमने बस इंटरकनेक्शन का लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको ये वाली इंस्ट्रक्शंस भी बताई थी, रीड मेमोरी राइट मेमोरी की इंस्ट्रक्शंस, यानी डेटा रैम से लाने के लिए जो जिन इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है और डेटा रैम की तरफ लेकर जाने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं उनको हम डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। सेकेंडली, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका ताल्लुक ALU के साथ है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी जो अरिथमेटिक फंक्शंस होते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मॉड, जोर फंक्शन, इस किस्म की जो होती है ना इंस्ट्रक्शंस, वो उनको हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। और ये ALU में जो रिक्वायर्ड होती है उस उन इंस्ट्रक्शंस को फिर फॉलो करके उसको जो इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास आई होती है उसकी आउटपुट जनरेट की जाती है, ठीक है, यानी ये इंस्ट्रक्शंस ALU में रिजाइड करती हैं। उसके बाद है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। वो इंस्ट्रक्शंस जो इनपुट आउटपुट यूनिट से रिलेटेड हो, यानी इनपुट आउटपुट यूनिट से किसी इनपुट डिवाइस का डाटा लेने के लिए या किसी आउटपुट डिवाइस के लिए डाटा भेजने के लिए, क्योंकि वो डाटा भी हमने इनपुट आउटपुट यूनिट की तरफ भेजना है, ये रीड इनपुट आउटपुट, राइट इनपुट आउटपुट, इस किस्म की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो इनपुट आउटपुट यूनिट से रिलेटेड होती हैं। और इसी तरह इंटरप्ट वाली जो होती हैं इंस्ट्रक्शन जिसमें सिस्टम इंटरप्ट हो जाता है, जो कल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, तो इस किस्म की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। उसके बाद है कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। देखें कंट्रोल, अब देखें सिस्टम में डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस, अब हर प्रोसेस कोई ना कोई हार्डवेयर अकुपाई कर रहा होता है। जस्ट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि बसेस हैं, अब एक कंट्रोल है, एक प्रोसेस चल रहा है और उसने डाटा को वो मूव करवा रहा है और बसेस को उसने अकुपाई किया हुआ है और बाकी प्रोसेसेस जो हैं वो वेट में हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब वो प्रोसेस जो ऑलरेडी बसेस पे चल रहा है वो ख़त्म होगा तो उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा और फिर कंट्रोल दूसरे प्रोसेस को दिया जाएगा कि अब दूसरा प्रोसेस इन बसेस को टेक ओवर कर ले। तो कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस होती हैं तो ही बसेस का कंट्रोल एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को दिया जाता है, यानी ऑलरेडी एक कोई लूप की इंस्ट्रक्शन चल रही है और कंटिन्यूसली वो एक हार्डवेयर ऑक्यूपाइड है, दूसरा जो प्रोसेस है वो वेट कर रहा है कि कब ये फ्री हो तो मुझे ये मिले, तो वो अपनी रिक्वेस्ट दे देता है कि मुझे ग्रांट की जाए बस, ठीक है ना, तो जैसे ही वो फ्री होती है बस ग्रांट हो जाती है, तो ये कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के हाथ में, ठीक है। तो इस किस्म की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हैं, ये एक इंस्ट्रक्शन होती है जंप, और ये जंप जी जो है इसका मतलब है जंप इफ़ ज़ीरो, जंप जी का मतलब है जंप इफ़ ज़ीरो, यानी प्रोसेस को जंप करवा देना, ठीक है ना, ये इससे रिलेटेड, ये एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो ये तो तीन टाइप्स, और इन टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस को इकट्ठा करके एक इंस्ट्रक्शन सेट बना दिया जाता है, और वो सेट किस में इम्बेड करते हैं, सीपीयू में इम्बेड कर दिया जाता है। अब हम आते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की तरफ, कि जो इंस्ट्रक्शन होती है वो बजाते खुद उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन होती है उसके दो पार्ट होते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन डिजाइन की जाएगी ना उसके दो पार्ट होंगे, एक होगा ऑपरेंड कोड, ऑप कोड भी कहते हैं उसको, एक होगा एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। ये दो चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। ऑपरेंड कोड क्या है,
ऑपरेंड कोड का मतलब है कि जो इंस्ट्रक्शन बजाते खुद है क्या, करना क्या है, वो प्रोसेस, वो ऑपरेशन। मसलन मैंने एडिशन करवानी है, ठीक है, तो अब ये एडिशन जो है ना, ये बजाते खुद एक ऑप कोड है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब सपोज मैं आपको कहता हूँ कि बुक लेकर जाओ और एड्रेस भी दे देता हूँ, इस एड्रेस पे पहुँचानी है। अब ये इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक मेरी इंस्ट्रक्शन कि बुक लेकर जाओ, ये इंस्ट्रक्शन है, ऑप कोड है, ऑपरेशनल कोड है, और जो मैं आपको एड्रेस बता रहा हूँ वो एड्रेस क्या है, वो डेस्टिनेशन है कि यहाँ पर आपने ये किताब पहुँचानी है। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसी तरह जब भी कोई इंस्ट्रक्शन होती है, चाहे वो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हो, चाहे वो कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, उसमें ये दो पार्ट होते हैं। अब यहाँ पर देखें, एक 16 बिट्स की एक इंस्ट्रक्शन है, इसका टोटल साइज जो है वो 16 बिट है, ठीक है, जिसमें 4 बिट का ऑप कोड होता है, यानी ऑप कोड का जो पोर्शन होता है वो बहुत छोटा सा होता है, वो इतना बड़ा नहीं होता। ज़्यादातर जो पोर्शन होते हैं बड़े बड़े वो एड्रेसेस, क्योंकि मेमोरी में बड़े लंबे लंबे एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। तो 6 बिट का एक एड्रेस फील्ड है, 6 बिट की एक और एड्रेस फील्ड है, और 4 बिट का ऑपरेशनल कोड है। ये तीनों मिलकर एक इंस्ट्रक्शन को डिज़ाइन कर रहे हैं। ये बेसिकली डिज़ाइन टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है, उसका मैंने एक एग्जांपल बनाई हुई है आपके आगे। तो 4 बिट में ऑपरेशनल कोड होगा। ऑपरेशनल कोड क्या होता है, जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है वो इंस्ट्रक्शन का वो हिस्सा जहां पर लिखा जाता है कि ऑपरेशन क्या है, उसको हम कहते हैं ऑप कोड, और बाकी एरिया एड्रेसेस का होगा, राइट, ओके। अच्छा जी, अब हम आते हैं, हमारे पास कितनी टाइप्स के फॉर्मेट होते हैं इंस्ट्रक्शन के। ये तो एक जनरली तो हमने पढ़ लिया कि दो हिस्से होते हैं, एक ऑपरेशनल कोड होता है और एक एड्रेस जो होता है ऑपरेंड का, वो हो गया, ठीक है। अब आते हैं कि हमारे पास टोटल कितनी टाइप्स के फॉर्मेट होते हैं। पहला फॉर्मेट जिसको हम कहते हैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, जीरो एड्रेस। अब देखिए नाम से ही ये जाहिर हो रहा है, इसमें एड्रेस फील्ड होती ही नहीं है, जीरो एड्रेस। अब आप सोचेंगे कि जब एड्रेस फील्ड नहीं है तो फिर एड्रेस मिलेगा कहां से, ऑपरेशनल कोड तो बता दिया कि ये ऑपरेशन करना है, तो एड्रेस फील्ड कहां से उठाएंगे। तो बेटा एक्चुअली लेट मी टेल यू, ये जो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है ये मोस्टली कहां पर यूज होता है, जहां पर मेमोरी स्टैक्स की फॉर्म में होती है, स्टैक्स की फॉर्म में। स्टैक मैंने कल आपको क्लियर करवाया था जब रजिस्टर्स हम पढ़ रहे थे, पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्टैक क्या होता है। स्टैक बेसिकली मैंने आपको बताया था उसकी जो स्कीम्स होती हैं, लीफो के बारे में भी बताया था और पुश एंड पॉप के बारे में भी बताया था। तो अब जहां पर मेमोरी स्टैक्स की फॉर्म में होगी वहां पर वो सेल एड्रेस तो होंगे नहीं, तो फिर जरूरत ही नहीं है इतनी बड़ी इंस्ट्रक्शन बनाने की। तो इसलिए जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट उस जगह यूज किया जाता है जहां पर मेमोरी स्टैक्स की फॉर्म में हो। जस्ट ओनली स्टैक को मेंशन किया जाता है कि ये वाला स्टैक है, यहां से डाटा उठाना है। तो इसमें एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, पुश एंड पॉप, इस किस्म की जो स्टैक से रिलेटेड जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में लिखी जाती हैं, उनका फॉर्मेट जीरो एड्रेस वाला होता है। उसके बाद दूसरी हमारे पास जो फील्ड है, सॉरी जो टाइप है, वो है वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, वन एड्रेस, यानी इसमें एड्रेस की एक फील्ड होती है। यहां पर जो मैंने आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, ऑप कोड, एड्रेस, एड्रेस, यहां पर दो एड्रेस फील्ड्स हैं, जबकि इसमें जो है वन एड्रेस में एक एड्रेस की फील्ड होती है ओनली, और एक हिस्सा ऑप कोड का होता है। इससे यह होता है कि इंस्ट्रक्शन का साइज छोटा होता है, जस्ट एक एड्रेस फील्ड होती है और एक ऑपरेशनल कोड होता है। ये बेसिकली कहाँ यूटिलाइज होती है, वन एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो होता है उसमें ये इंस्ट्रक्शन यूज होती है। वन ये जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है वो डाटा मैनिपुलेशन के लिए जो यूज होता है, सिंगल रजिस्टर पे ये वाली इंस्ट्रक्शन यूज होती है, और फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हमें एक और रजिस्टर चाहिए होता है इसमें। तो ये ओल्ड कंप्यूटर्स में अक्सर ये यूज होती थी, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं टू एड्रेस, यही वाली, ये जो मैंने एग्जांपल आपके सामने बनाई है,
ये टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। ये जो इंस्ट्रक्शन है ये बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ये सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होती है, ज़्यादातर कंप्यूटर्स में यही इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। इसमें हमारे पास मूव, ऐड, सीएमपी, बीआईएस जैसी हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इसकी मिसालें हैं। मूव, ऐड, सीएमपी, बीआईएस, ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की होती हैं। फिर है हमारे पास थ्री एड्रेस। अब थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में एक्चुअली क्या होता है कि साइज़ बड़ा हो जाता है, एड्रेसेस तीन हो जाते हैं, ठीक है। अब इससे फ़ायदा ये होता है जो लेटेस्ट कंप्यूटर हैं उनमें अक्सर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में, सुपर कंप्यूटर्स में यही थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज़ होता है। इससे फ़ायदा तो ये होता है कि भाई प्रोसेसर जो है वो तेज़ी से काम करता है, उसके पास तीन तीन एड्रेसेस होते हैं, दो एड्रेसेस रजिस्टर के, एक मेमोरी का, या तीनों एड्रेसेस मेमोरी के, इस तरह से उसको बार बार दोबारा से काम नहीं करना पड़ता, एड्रेसेस एक ही दफ़ा मिल जाते हैं उसको। लेकिन नुकसान ये होता है कि इससे साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि एड्रेसेस मैंने आपको बताया बाइनरी फॉर्म में बहुत लंबे लंबे एड्रेसेस होते हैं, तो साइज़ बड़ा हो जाता है। अगर आपके पास साइज़ ज़्यादा है रजिस्टर्स का, आपके पास मेमोरी ज़्यादा है, तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, थ्री एड्रेस। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारे पास फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल। यानी कंप्यूटर जब आप ऑन करते हैं तो एक साइकिल चल पड़ता है, जब तक कंप्यूटर ऑन है ये साइकिल चलता रहेगा, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। फेच किसको कहते हैं? लेकर आना। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं सीपीयू इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देता है कि रैम से डाटा लाओ, रैम से डाटा लेकर आना सीपीयू के अंदर, मेमोरी बफर रजिस्टर से गुजरेगा, फिर आईआर रजिस्टर में आएगा, रैम से उठाना, मेमोरी बफर से गुजारना, आईआर रजिस्टर में लेकर आना, ये प्रोसेस जो है इस प्रोसेस को कहते हैं फेच। फेच जब फेच हो जाता है तो अगला प्रोसेस शुरू होता है डीकोड। अब आईआर रजिस्टर, मैंने कल भी बताया था आपको, एक और काम करता है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको डीकोड करता है, उसके इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेट करता है, बाइनरी में डीकोड करता है और इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेट करता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डीकोड। जैसे ही उसकी इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेट हो जाती हैं तो वो कहाँ जाती हैं? एएलयू में। अब अगला प्रोसेस शुरू होता है एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन का यानी अब प्रोसेसर क्या करेगा? एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, एएलयू उसकी आउटपुट जनरेट करेगा। जैसी आउटपुट जनरेट होगी वो इंस्ट्रक्शन, वो आउटपुट भेज दी जाएगी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो आ जाएगी, और जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है ये इंस्ट्रक्शंस आती रहेंगी, फेच होती रहेंगी, एग्जीक्यूट होती रहेंगी, डिकोड होती रहेंगी, उसके बाद डिकोड होंगी, फिर एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, फिर फेच लाना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, फिर भेज देना। तो इसको कहते हैं फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल, और ये आपके कंप्यूटर यानी सीयू स्टार्ट कर देता है फौरी तौर पे, ये सारा प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। ये एक रेन साइकिल जैसे होता है कि एवोपरेशन हुई, क्लाउड्स बने, वो ठंडे हुए, बारिश बरसाई, फिर दोबारा पानी आया, तो ये एक साइकिल चलता रहता है। इसी तरह जब तक कंप्यूटर आपका ऑन है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल चलता रहेगा, चलता रहेगा इसी तरह, ठीक है, और इसी तरह आपका सिस्टम काम करता रहेगा। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज आवर टूडेज लेक्चर। I hope you have understand my lecture. If you have any kind of queries, if you have any kind of questions, please ask me. I will answer your questions. Till then, thank you. Allah Hafiz.